ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मतलब मूड बहुत ही ख़राब है। एंड अभी हुआ यूँ कि अभी जस्ट मैं न्यूज़ फीड फेसबुक में चेक कर रहा था, एंड देन आई फाउंड दैट एक पोस्ट था कि डैनी ज़ेन इज़ नो मोर, ही जस्ट पास्ड अवे लास्ट नाइट इन अ कार एक्सीडेंट। एंड पहले तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ इन न्यूज़ पे, फिर मैंने गूगल एंड ऑल पूरा चेक किया एंड आई फाउंड दैट ये मतलब न्यूज़ सच है। तो गाइस बहुत ही दुखी के साथ कहना पड़ रहा है, बिकॉज पहले तो एकदम ही मतलब लगा ही नहीं, बिलीव ही नहीं हुआ आँखों को। एंड अभी क्या बोल सकते हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था एकदम। बहुत पहले से मैं फॉलो कर रहा हूँ दानिश ज़ेन को, एंड बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, सबको मालूम है, सब लोग सदमे में हैं इस बात को लेकर। एंड बस अभी इतना ही कह सकते हैं कि क्या हुआ जो हो गया वो तो जो होना था, आई मीन नहीं होना चाहिए था, बट देन बहुत यू नो हम लोग अनलकी है, बहुत सारे उनके फैंस अनलकी है कि ऐसा हो गया। एंड मे ही सोल रेस्ट इन पीस, वो जहाँ पे भी है अच्छे से रहे। मैं मतलब अल्लाह को ये दुआ करता हूँ, एंड मे गॉड गिव हिज फैमिली एंड हिज फैंस उतनी ताकत दे उनको कि इस सदमे से बहुत जल्दी बाहर आ सके, बिकॉज ये मेरे को इतना बुरा लग रहा है। तो सोचो उनके फैमिली को कितना बुरा लगा होगा ये न्यूज़ सुनने के बाद। एंड कार आप देख सकते हो, ये रहा कार, एंड कार का हालत देखो आप, इससे लगता है कि जो भी अंदर होगा वो तो सही सलामत बाहर निकल पाए। तो गाइस बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं उनको बहुत पहले से फॉलो कर रहा था, एंड जब मैंने ये न्यूज़ देखा, उन्होंने एक इंस्टाग्राम यू नो आई गेस एक वीडियो भी बनाया था जस्ट एक्सीडेंट से पहले, एंड जो होंडा सिटी कार में आई गेस थे, वो वाइट कलर की कार थी होंडा की, एंड उनका ड्रेस वाइट शर्ट में थे, वो ब्लैक एक वेस्टकोट की तरह था वो पहने हुए थे। एंड अभी तक तो कंफर्म वही है कि उनका ही एक्सीडेंट हुआ है। तो गाइस और एक चीज़ यार बताना चाहूँगा कि देखो यार, अभी देखो ये एक इंसिडेंट हो गया, एंड मैं इसमें ज्ञान नहीं देना चाहता आपको, बट देन प्लीज़ राइट सेव, प्लीज़ गाइस प्लीज़ राइट सेव। एंड थोड़ी सी गलती की वजह से जान जा सकती है यार, जान से प्यारा कुछ भी चीज़ नहीं है। आज देखो वो इंसिडेंट होने के बाद कितने लोग सदमे में, उनकी फैमिली को क्या बीत रही होगी, इतने 24 इयर्स के आई गेस वो थे, एंड कितना ज़्यादा बड़ा फैन फॉलोइंग था वो, उनका फ्यूचर कितना वो आगे जाते, सोचो आप। जस्ट थोड़ी सी मतलब भूल या उनका लक कह सकते हो, इसीलिए सबको मैं मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ राइट सेफ। आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो या पैदल जाते हो, प्लीज़ देख के जाया करो। किसी को कुछ पता नहीं कि किसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन आप अपने से सावधानी बरको, ताकि ये ना हो कि आपके जाने के बाद कोई ये कहे कि उसने ये प्रिकॉशन नहीं लिया था, ये नहीं किया था, उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा ना हो। वही बस इतना ही कहना था, मूड तो बहुत ऑफ है, एंड मिस यू दानिश ज़ेन, मिस यू।